चलो टपक सिंचाई कैसे बनाते देखते हैं। एक नई सलाइन किनारा ले लेनी है, छोटा स्क्रू ड्राइवर लेना है, कैंची लेनी है, कटर या ब्लेड लेना है, टेप नली लेनी है और कुछ ईयरबड्स लेने हैं। ये सब आपको हार्डवेयर की दुकान पे मिल जाएगा। अभी एक ईयरबड लेके हम उसको कॉटन निकाल लेते हैं। देख मैंने कॉटन निकाल लिए हैं, अभी इसके छोटे छोटे 3 पीसेस कर लेते हैं। ये हो गए हमारे 3 पॉइंट रेडी। अभी इसको हम टेप लगा लेंगे ताकि ये सलाइन की नली में फिट बैठ सके, इसलिए इस तरीके से छोटा सा ही टेप लगाना है, ज्यादा नहीं लगाना है। देखो सारे पॉइंट्स रेडी हो गए। अभी नली को छोटा सा छेद कर लो। और उसमें वो एक पॉइंट का एक एंड जहाँ पे टेप नहीं लगाना है लगाए हैं उसको डालना है, और जो टेप वाला साइड है वो बाहर की तरफ रखना है। याद रखें कि ये क्रॉस नहीं लगना चाहिए। देखो मैंने सब पॉइंट्स लगा दिए हैं। अब सलाइन की नली लेते हैं। के 2 या 2.5 इंच के टुकड़े कर लेते हैं। देखो अभी उसका जो टेप लगा है उस साइड में वो सलाइन का टुकड़ा, नली का टुकड़ा उसमें डाल देते हैं। ये होगा एक पॉइंट अपना रेडी। अब उसको एक नॉट डाल देते हैं ताकि पानी का फ्लो एकदम कम हो सके। इसी तरह के मैंने सभी पॉइंट्स रेडी कर दिए हैं। ये देखो सब रेडी हो गए हैं। अभी हम इसको टेस्ट करते हैं। अभी एक एंड से पानी डालना है और एक एंड हमको क्लोज करना रहेगा। चलो अभी पानी डालते हैं एक एंड में। अभी वो एंड जिसने पानी डाला है वो बकेट में डाल देना है। देखो दूसरे एंड से पानी आना चालू हो गया है। अभी ये लास्ट वाले एंड को हमको क्लोज करना है नॉट डाल के। क्लोज हो गया। और देखो अभी हमारा टपक सिंचाई चालू हो गया है। अच्छी तरह से ये काम कर रहा है, देख सकते हैं आप। इसमें एक बकेट में 24 आवर चल सकता है ये पूरा टपक सिंचाई। मेरे 13 या 15 पॉइंट्स हैं। काफी अच्छा इसका रिजल्ट है और पानी, बहुत पानी की बचत होती है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक्स।